बहुत पहले सरयू नदी के तट पर एक जामुन का पेड़ हुआ करता था। अंजी नाम का एक बंदर उस पेड़ पर लगे जामुन खाता और आराम से रहता था। उसी नदी में अंजी का दोस्त मकर नाम का मगर भी अपने परिवार के साथ रहता था। अंजी अपने दोस्त को भी हर रोज जामुन खिलाता था। ऐसे में एक दिन हर रोज केवल हम दोनों ही खाते हैं, आज कुछ जामुन भाभी के लिए भी ले जाओ। ठीक है दोस्त। दोस्त अंजी और मैं हर रोज इसे खाते हैं, आज तुम्हारे लिए लाया हूँ। वाह, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं, तो उस बंदर का जिगर कितना मीठा होगा जो इसे खाता है। ये सोचकर एक दिन मकर की बीवी रोते हुए अपने पति से कहती है, मैं बीमार हूँ। वैद्य ने कहा है कि बंदर का जिगर खाना ही इस बीमारी का इलाज है। आप तुरंत अपने दोस्त अंजी का जिगर ले आओ। अंजी मेरा प्रिय दोस्त है, मैं उसका जिगर नहीं ला सकता। आप मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए आप नहीं लाना चाहते। मत रो, उसे कुछ ना कुछ कह कर ले आता हूँ। दोस्त, आज तुम्हें मेरे साथ मेरे घर दावत पर आना होगा। मुझे तैरना नहीं आता, कैसे आऊं? तो क्या हुआ, अपनी पीठ पर तुम्हें बिठाकर ध्यान से ले जाऊंगा। ठीक है, फिर आता हूँ। चलो चलो चलो। माफ करना दोस्त, तुम्हारी भाभी बहुत बीमार है। वैद्यों ने कहा है कि बंदर का जिगर ही इसका इलाज है। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपना जिगर पेड़ पर रखा है ताकि वो गीला ना हो जाए। चलो वापस लौटकर ले आते हैं। ठीक है, वापस लौटते हैं। मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसे धोखेबाज हो, दोबारा ऐसी गलती मत करना।